वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग वो आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे और टाइम हो गया है ग्यारह बज गए हैं और अभी क्या हुआ है यहाँ पे दूध गर्म करके रख दिया है और ये जाएगा नेहा के पास और नेहा के पास क्या नेहा इधर ही है तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो दिखाती हूँ और यहाँ पे एक तो ये तोरी की सब्जी बना दी है मतलब ये मलाई वाली है और ये जो है ये नींबू डाल के बनाई मैंने इसमें मलाई नहीं डाली है और यहाँ पे इसकी तैयारी चली हुई है तो इसकी पैकिंग वगैरह करेंगे और तल अन गए एक बार मार्केट में तो वो कुछ फ्रूट सब्जी वगैरह लेने गए हैं जो कि वुड्डी लेके जाएगी तो यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है और ब्रेकफास्ट सब ने कर लिया है नया दोई भी होगी है तो अभी मैं बनाऊंगी इसके लिए रोटी और फिर सारी पैकिंग करके और डाल दूंगी इसके थैले में और फिर ये चले जाएंगे फिर मेरा काम रहेगा थोड़ा सा मशीन का काम है वो करूँगी तो अभी चलते हैं किचन तो भी ये गुड्डी होगी है रेडी जाने के लिए ये देख लो भाई भाई। इसको विदा कराती हूँ मैं नीचे तक चार महीने में आई थी तो इसको मैं विदा कराती हूँ नीचे गड्डी में गड्डी में बिठा जाती हूँ यूं ही नहीं मिल जाती है सफलता जिंदगी में कुछ तो करना पड़ता है कुछ तो हार्डवर्क करना पड़ता है कुछ खोना कर पड़ता है कुछ पाना पड़ता है गुड मॉर्निंग गाइज़ कैसे हैं आप लोग होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आप अपने कामों में व्यस्त होंगे और ये जो आज का जो व्लॉग है ये दो दिन का है तो कल गुडी गई थी तो उसके आगे थोड़ा सा मैं उदास हो गई थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी तो ये है नेक्स्ट डे का और मॉर्निंग का मेरा जो योगा का रूटीन है वो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो सवेरे सवेरे जैसे फ्रेश माइंड भी होता है और पेट भी खाली होता है तो थोड़ी सी योगा करनी तो ज़रूर बनती है तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के और ज़रूर से और कुछ ना करो थोड़ा सा अनु प्राणायाम वगैरह की कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएँ कर सकते हो थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो तो एक घंटा अपने लिए निकाल सकते हो तो स्वस्थ भी रहोगे और माइंड भी फ्रेश रहेगा और मतलब ये लगा लो कि खुश रहने का बहुत ही बढ़िया एक सीक्रेट uh, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं पूरा दिन मतलब मैं घर में अकेली भी रहूँ ना तो, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पूरी फैमिली भी साथ होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैंने अपना अपना जो टाइम शेड्यूल है ना वो इस तरीके से फिक्स कर रखा है कि मेरे को आ, कोई ऐसी आ, मतलब कहते हैं ना कि भी अकेलापन है या टेंशन है या हाँ आती है जीवन में थोड़ी वो टेंशन आती है लेकिन वो यूँ चली जाती है बस वो माइंड पे आ, का अपना आ, सारा खेल होता है हम किसी चीज़ को हवा बना लेते हैं तो वो हवा बन जाता है और अगर किसी चीज़ को हम आ, स्मूथ निकाल देते हैं तो वो ईजी लाइफ हो जाती है देखो कुछ आ, पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से मतलब हजम करने की होती हैं कुछ इग्नोर करने की होती है कुछ मुस्करा के हवा में उड़ाने की होती है और कुछ पे थोड़ा सा सीरियस वर्क करना पड़ता है तो ऐसा कुछ मेरा मेरे साथ तो ऐसा कुछ चलता रहता है मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ तो अपने लिए मैं सबेरे एक घंटा मैं ज़रूर निकालती हूँ हाँ ये ज़रूर था कि अभी मैं एक महीना पूरा मेरी तबीयत खराब रही है तो उस दौरान मैं नहीं कर पाई कभी बुखार चढ़ रहा है और वो बुखार ऐसा भी नहीं था कि आ, मतलब सो से ऊपर गया लेकिन अंदर अंदर बुखार रहता था मतलब इतनी वीकनेस आ गई और हड्डियों में दर्द रहना और पता नहीं क्या क्या सैप अप आ गया लेकिन कोई ना मेरी विल पावर मालिक की दया से आ, बहुत स्ट्रांग है तो उसको भी मैंने दर किनारे कर दिया है हाँ लेकिन मैंने बस मैं चारपाई से ना उठी थी ना बेड से ना उठी थी वो तीन चार दिन था बाकी तो मैं अपना रूटीन का काम करती रहती थी तो अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर बेड पे पड़ी रहती तो वो जो बीमारी है ना वो डबल महसूस होने लग जाती और वो हो भी जाती होता भी ऐसे ही है कोई थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होती ना हम बेड पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी तिगुनी चुगनी होके हमें मिल जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी तब मैंने बेड पकड़ा था तो मेरे घर वालों को भी पता है कि ये इसे सिरफे का पानी चला जाता है ना तभी डॉक्टर के पास जाती है और ये महीना है ना पूरा चला गया डॉक्टर के चक्कर काटते काटते अब ये टेस्ट करवाना वो टेस्ट करवाना है और मिलता कुछ भी नहीं है तो इतनी दवाइयाँ खाली सीजी जितनी है ना ज़िंदगी में कभी ना खाई होंगी जितनी अब इस महीने में खा ली हैं तो लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा ठीक हूँ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ लेकिन हाँ थोड़ा सा ठीक हूँ उसको जो थोड़ी सी ठीक नहीं है उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ <laughs> तो बीमारी पहले तो ये होता था कि बीमारी मेरे पास आगे भी पछताती थी, थी लेकिन अब की बार तो बीमारी ने मैं ही हरा दी लास्ट में मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा चल कोई ना कभी कभी हमेशा अपनी जीत नहीं होनी चाहिए ना अगले को भी जिताना चाहिए <laughs> और बीमारी जीत की कोई दिक्कत नहीं तो चलो लेकिन ना विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम के लिए किसी भी सिचुएशन के लिए तो ईजिली निकल जाता है टाइम तो अभी मेरा जो योगा का जो प्रोग्राम होता है ना वो चल रहा है तो ये तो छोटी सी क्लिप मैं दिखाऊंगी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बाकी मेरा ये घंटे का काम होता है योगा का और सवेरे अगर योगा कर लेते हैं ना फिर सारा दिन बहुत ही बढ़िया निकलता है थोड़ा सा आ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा वेट लॉस के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए और बहुत ही बढ़िया मतलब पूरा दिन फिर आ, ये कहते हैं ना कि पूरा दिन के लिए इस एक घंटे में ना तक जमा कर लेते हैं तो वही एक मेरा घंटा है सवेरे सवेरे का अब पहले बहुत साल पहले मेरे लिए ना काम फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी आ, लेकिन बीच में ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण फिर मैंने सोचा कि नहीं तबीयत जो है वो अपनी हेल्थ जो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए तो अब जो गुड्डी को छोड़ के आए थे ना उसके पास जो सामान गया था ना वो बॉटल वगैरह डब्बे वगैरह खाली थे वो उसने भेज दिए थे तो ये तलन साहब ने ना सारे गर्म पानी में डाल डालकर वैसे तो उसने धो के भेज रखे थे लेकिन एक बार फिर गर्म पानी में डाल डालकर और फिर साफ कर दिए और यहाँ पे ये जो मिल्टन का ये बॉक्स है जिसमें उसके खाने पीने की चीज़ें जाती है ये भी धो के रख दिया है अब यहाँ पे गुड्डी के जो सर्दी के जो कपड़े हैं ना वो वैसे तो धो के रखे हुए थे लेकिन इनमें ना जो कई महीने रखे रखे रहते हैं तो स्मेल आ जाती है तो ये खाली पानी मिलकर निकाल के और वो मैंने धूप में डाल दिए हैं तो यहाँ पर ये डब्बे सूख जाएंगे तब इनको इनकी जगह रख देंगी और यहाँ पर प्लांट्स में भी मैंने पानी दे दिया है तो आप देख सकते हो ये आज मैंने दोनों तीनों जो है वो थोड़ा सा सवेरे सवेरे की धूप में रख दिए हैं तो अब आ गई है बारी किचन की तो किचन में मैं क्या बना रही हूँ वो बताती हूँ आप लोगों को आपके आप लोगों आप लो के साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पे लाल मिर्च भी ले सकते हो तो यहाँ पे तिखे वाली ये मिर्च है तो इसको ना ये खरल बोलते हैं इसको कुंडी भी बोलते हैं तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं या हमारे यहाँ इसको कुंडी सोटा बोलते हैं तो ये जो मिर्च हैं ये कूट ली हैं और थोड़ी सी दरदरी कूट ली है अब यहाँ पे जो घिया यानी लौकी जो होती है वो मैंने बॉयल कर रखी थी और उसको निचोड़ के और फिर कुंडी में उसको कूट लेंगे पीसना नहीं है कूटना है कूटना मीन्स दरदरा पीसना मीन्स पेस्ट तो इसको दरदरा कूट लेंगे और आज मैं बना रही हूँ घिया का रायता बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी तो ऑब्वियसली है ही है अब यहाँ पर कुछ लस्सी रखी थी और कुछ ये ताज़ा दही थी तो इसमें घिया को मिक्स कर देंगे और ऊपर से इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा और सफ़ेद वाला नमक यानी जो सेंधा नमक हम खाते हैं वो और काला नमक और आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो इसमें मैं तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक्चुअल में जो घिया का जो रायता होता है ना उसमें तड़का नहीं लगता है मतलब लगा लेते हैं लगाने वाले लेकिन जो एक्चुअल में जो एक नेचुरल जो रायता होता है ना वो ऐसे ही होता है तो ये रायता हो गया है रेडी तो खाना पीना भी हो गया था और अब टहलान साहब कहीं गए हुए हैं तो ये शाम का टाइम है लगभग चार से पाँच बजे का टाइम है तो यहाँ पे मैं बिग बॉस भी देख रही हूँ और यहाँ पे एक गुड्डी की ना चुन्नी थी तो बोलती थी मम्मी इसमें ना चैन कर देना तो चारों साइड में ना थोड़ा वेट हो जाएगा ये मतलब जो प्योर शिफोन उसकी जॉर्जेट की चुन्नी आती है ना उसमें तो वो थोड़ा सा वेट होता है जो सेमी उसकी जॉर्जेट की चुन्नी आती है ना वो थोड़ी सी हल्की होती है तो ये एक सूट के ऊपर है आ, मतलब प्लेन नहीं है ये प्रिंटेड चुन्नी है तो ब्लैक धागे से मैं इसमें चैन कर रही हूँ तो कई ऐसे सूट भी ऐसे हैं मेरे जो मैं उसके भी गुड्डी के भी ऐसे हाथ का काम करके और यानी जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है या चैन वगैरह करनी होती है तो वो मैं कर लेती हूँ जो भी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ तो इस चुन्नी पे आज मैं इसको निपटा दूँ क्योंकि कई दिन से ये रखी हुई है तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए दिन के साथ होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ तक आपने व्लॉग देखा है तो जाहिर सी बात है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा तो चलते हैं टेक केयर बाय बाय